ये पूरे महीने की आपकी इबादतें, पूरे महीने के आपके फर्ज रोजे रिवायत में सब रुके हुए, ये आगे नहीं बढ़ते। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने कोई लेटर वेटर पोस्ट करना है लेकिन उसमें अभी स्टैंप नहीं लगाया है, आप सब लिख लिया, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ बंद कर दिया, सारी तैयारियां हो गई, स्टैंप नहीं लगेगा तो आगे नहीं जाएगा। वक्त नहीं है कि मैं मिसालों को जरा बना सवार के पेश करूं, सारे रोजे रुके हुए। जैसे नमाज के लिए कहा जाता है कि पूरी लंबी चौड़ी कितनी ही लंबी नमाज पढ़ ले, ऐसी नमाज पढ़ ले कि हर रकत में एक एक कुरान खत्म करे। नमाज रुकी हुई है जब तक कि तशहुद में आप आले मोहम्मद पे दुरूद ना भेजेंगे, वो पूरी आपकी नमाज रुकी हुई, जिसमें अल्लाह की आपने तारीफ भी की है और आपने कुनूत भी पढ़ा और आपने अल्लाह के आगे सिजदा भी किया, सब अपनी जगह रुका हुआ है। सारे रमजान की इबादतें खास तौर पर रोजे रुके हुए हैं जब तक कि आप फितरा नहीं देंगे। फितरा बहुत अहम इबादत है इस्लाम, रकम के एतबार से बहुत छोटी रकम बनती है, लेकिन पूरे रमजान की मेहनतें 30 दिन जो आपने रोजे रखे, इस साल तो 90% बल्कि 95% चांस है कि रोजे पूरे होंगे, यानी रमजान पूरा होगा, यानी 30 दिन होंगे, सब रुके हुए, जिस पर फितरा वाजिब है। हाँ, जिस बेचारे पे वाजिब नहीं है उसको तो फिर हर जगह कंसेशन मिल जाता है। और फितरे के हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं, फितरे के हवाले से बातें इतने जल्दी मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि आजकल के जो निजाम है उसके अंदर अगर आप ईद के दिन फितरा देने चाहेंगे तो अव्वल तो उस वक्त गरीब मिलना मुश्किल होता है और फिर यह कि उसको इतना फायदा नहीं होता। तो आप एक मसला तो ये सुन लीजिए और समझ लीजिए, कम अज कम आगा सिस्तानी का यही फतवा और आगा खुई मरहूम का यही फतवा, स्टिल वो लोग हैं जो अभी तक आगा खुई की तकलीद में बाकी, बल्कि अगर ये जुमला कहूं तो तौहीन ना समझिएगा कि आगा सिस्तानी का ये फतवा अपने उस्ताद आगा खुई ही के फतवे की कॉपी, और वो ये है कि फितरा माह मुबारक के रमजान में दिया जा सकता। देखिए, एक मसला तो तमाम मराजे का है, वो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, वो ये है कि आप रमजान में अगर किसी गरीब की फितरे से मदद करना चाहें, लेकिन अब फितरा असलन फितरा वाजिब होता है ईद की रात, तो फिर रमजान में आप उसे कर्जा दे दीजिए और उसके बाद जब ईद की रात आ जाए, जब आपको फितरा देना है तो आप इसके कर्जे को अदा कर दीजिए अपने फितरे से। कर्जा देने वाला कौन? आप। फितरा देने वाला कौन? आप। दोनों आप हैं, लेकिन आपने कहा कि फुला गरीब के ऊपर $50 कर्जा है तो मैं $50 मेरा फितरा निकला उसका कर्जा जाके अदा कर रहा हूं। किसको अदा कर रहा हूं? अपने आप को। लेकिन जरा है तो ये तमाम मराजे के नजदीक 100% परफेक्ट तरीका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, भूल गए, ख्याल ना रहा, बहुत सारी बात। आगा सिस्तानी और मरहूम आगा खुई कहते हैं कि डायरेक्ट फितरे की नियत से ही आप रमजान में फितरा दे सकते हैं। अच्छा, आप देखिए, मजाक उड़ाने वाले लोग तो मजाक भी उड़ाते, क्या ये तो किसी ने कहा ये तो वही बात हो गई कि जुमे की नमाज बुध को पढ़ दी, फितरा वाजिब है ईद के दिन, आपने रमजान में ही निकाल दी। तो एक तो वो हमारे यहां तबका है ना जिसे लिल्लही बुग्ज है मराजे कराम और मरजईयत, तो वो तो एक अलग बात है ना, वो मेरी बात सुनेंगे और ना ही मैं उनको अगर सुनाऊ भी जबरदस्ती तो वो कायल होंगे। छोड़े, एक आम आदमी जो कहेगा मुझे तो टू द पॉइंट बात बताइए, तो अगर आप आगा सिस्तानी की तकलीद में हैं या आगा खुई की तकलीद में बाकी हैं तो आप डायरेक्ट नियत ही कर लीजिए, फितरा दे रहा हूं, खत्म, बात चैप्टर क्लोज।